नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के 2018 के, ठीक है, 100 MCQ को देखेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट PVI है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला प्रश्न है, सरकार ने किसे चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बवाड़े या श्रीपद दास या विक्रम मिश्री या रामजन्म भैरव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम मिश्री को नया राजदूत नियुक्त किया है चीन में भारत का। ठीक है, सेकेंड प्रश्न है, किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, INS, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे, तो जयंत मेमन मैथ्यू को नियुक्त किया गया है, क्या, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, हर वर्ष 6 क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में से किस क्षेत्र के पुरस्कार को 2018 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के लिए, इस बार साहित्य के लिए 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नील कुरंजी संरक्षण योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स एलियंस, ठीक है, और तुसुकु होंजो को दिया गया है, जेम्स एलिसन और तुसुकु होंजो दोनों को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट, ए और बी दोनों को दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी ने। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में आर्थर अस्किन, गेरार्ड मोरो, ठीक है, डोना स्किटलैंड, ठीक है, ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, ठीक है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, मोहम्मद मुस्ताक अहमद। ठीक है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, भी मोहम्मद मुस्ताक अहमद। ठीक है, अमेरिका के किस भारतीय शख्सियत, ठीक है, को मरणोपरांत अपने संसद का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अवार्ड देने की घोषणा की है, वो किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया था। ठीक, रसायन के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि फ्रांसिसी अल्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर, ठीक है, तीनों ने जीते हैं रसायन में नोबेल पुरस्कार। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, बरहम सलीह, ठीक है, 24वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर ने। ठीक है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 का पुरस्कार किसने जीता है, मणिपुर ने। ठीक ना, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो रंजन गोगोई को पदभार संभाला है, ठीक है, भारत के कितने नंबर के न्यायाधीश हैं वो। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कितने नंबर के वो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये हैं 46वें नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के, 46वें नंबर के। 3 अक्टूबर को ICICI बैंक के नए MD और CEO का पदभार किसने संभाला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी ने 3 अक्टूबर से ICICI बैंक के नए MD और CEO का पदभार संभाल लिया है। किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 जीता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा ने। ठीक ना, हरियाणा ने जीता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018। ठीक है, शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है 2018 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, यानी कि ए और बी दोनों, नादिया मुराद और डेनिस मुकवेगे। ठीक ना, किसे स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संजय वर्मा। ठीक है, संजय वर्मा को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अपॉइंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उच्च न्यायालय के। ठीक है, किस कंपनी को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस कंपनी को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मारुति सुजुकी को। ठीक है, किसको मिला है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार? मारुति सुजुकी को। ठीक, अक्टूबर में चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2018 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में संपन्न हुआ। क्या हुआ सर? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2018, ठीक है, लखनऊ में संपन्न हुआ। अक्टूबर में नोबल विजेता लियोन लेडरमैन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। किसे संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंकज शर्मा को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को। किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार ने। बिहार राज्य सरकार ने डॉल्फिन शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ होगा? बिहार में। ठीक है, ACC अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2018 किस देश ने जीता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत ने जीता है। ठीक है, 7 अक्टूबर को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ लिया है? ठीक है, किसने शपथ लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेट केवनॉक ने। ठीक ना, ब्रेट केवनॉक ने 7 अक्टूबर को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित महिला श्रेणी के IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप 2018 का किताब किसने जीता है? ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप 2018 का किताब किसने जीता है महिला में? तो इसका राइट हो जाएगा किथर्न पांडियन। ठीक है, किथर्ना पांडियन। ठीक ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि विलियम डी नॉडरहाउस, ठीक है, और पॉल एम रोमर। ठीक है, ये दोनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं 2018 में। ठीक है, अक्टूबर में भारत और किस देश के बीच, ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास, ठीक है, जीमैक्स 18 हुआ? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है जापान के साथ। ठीक है, 7 अक्टूबर को चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का किताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा कैरोलिन वेंजियाइकी। ठीक है, वेंजियाइकी, ठीक है, कैरोलिन वेंजियाइकी ने जीता है चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का किताब। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने SC और ST वर्ग के उद्यमित को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, अक्टूबर में उन्नति योजना लॉन्च किया है? ठीक है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने SC और ST को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्माण कुसुम कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, की सहायता के लिए एक समूह यानी कि SPG की स्थापना की है। इस समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो SPG का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप की स्थापना किया है जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजीत डोभाल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अजीत डोभाल को। हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनरल असीम मुनीर। ठीक है, जनरल असीम मुनीर को ISI का चीफ नियुक्त किया गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के अनुसार किस देश की पासपोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के अनुसार जापान दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट
की गिनती में आती है, ठीक है ना। 157 देशों की सूची में विश्व असमानता सूचकांक, ठीक है, जो विश्व असमानता सूचकांक जो होता है, भारत की रैंक क्या है 157 देश की सूची में, ठीक है, 157 देशों की सूची में भारत की स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 147, ठीक है, यानी कि बहुत पीछे है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का सॉलिटरी जनरल नियुक्त किया है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है किसे केंद्र सरकार ने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुषार मेहता को, ठीक है, तुषार मेहता को नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। इसरो ने किस विश्वविद्यालय में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थापित करने के लिए MOU, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, तो किसके साथ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है ना। विश्व बैंक के द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व विकास रिपोर्ट 2018 में 157 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 115 स्थान है भारत का 157 देशों की सूची में, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे देखने को एग्ज़ाम में, ठीक है, कि कौन से सूची में भारत का स्थान कितना है, ठीक है, तो इस प्रश्न सबको एक जगह लिख करके रख लिए, ठीक है, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, ठीक ना। केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है, किन व्यक्तियों को जेल से विशेष छूट के तहत रिहा कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या है, पहला पुरुष को जो वे पुरुष जो 60 साल के हों, ठीक है, और 50% सजा काट चुके हों उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वे महिला जो 55 साल की हो और 50% सजा काट चुकी हो उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे व्यक्ति जो 70% अपंग है, ठीक है, 70% अपंग के हैं तथा 2/3 सजा काट लिए हैं, यानी कि 2/3, जैसे मान लीजिए उसका सजा है 6 साल, तो अगर उसने 4 साल काट लिया है, ठीक है, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने प्रदूषण का जागरूकता फैलाने के लिए, प्रदूषण पर जागरूकता फैलाने हेतु मोबाइल ऐप, ठीक है, आई खेत मिशन, ठीक है, ई पहल और ई प्रिवेंट लॉन्च किया है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार ने, ठीक है, पंजाब राज्य सरकार ने प्रदूषण पर जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल ऐप ई खेत मिशन, ठीक है, ई पहल और ई प्रिवेंट, ठीक है, ई प्रिवेंट लॉन्च किया है, ठीक है। अक्टूबर में जारी वेल्थ हंगर लाइफ और कॉर्नर्स वर्ल्ड वाइल्ड के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के में 119 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 114 स्थान है, ठीक है, मतलब कि 119 राज्यों की सूची में, 119 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, 114, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के में, ठीक है ना। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो थी अन्नपूर्णा देवी का 91 वर्ष की आयु में, ठीक है, निधन हो गया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 91 वर्ष की थी, ठीक है ना। भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय का सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए चुना गया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा UNHRC, ठीक है, एक्सेस इन्फो यूरोप एंड द सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार RTI रैंकिंग 2018 के भारत किस स्थान पर है, ठीक है, तो भारत का स्थान कितना है RTI रैंकिंग के आधार पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6ठा स्थान, ठीक है ना, 6ठा स्थान पर है एक्सेस इन्फो यूरो एंड द सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को 2018 का टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम के मुख्यमंत्री को टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 14 अक्टूबर को हुए फाइनल मुकाबले में टेनिस में 2018 का शंघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। 14 अक्टूबर को एसो मैच द्वारा एसो मैच ब्यूटी अवार्ड 2018 के से किससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। एसो मैच ब्यूटी अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहनाज हुसैन को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूर्ण जैविक राज्य का फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड अवार्ड जीता है, ठीक है, किसने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम राज्य ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2018 का साहित्य में वैकल्पिक नोबेल में से न्यू एकेडमिक पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैरिसे कोंडे, ठीक है। मैरिसे कोंडे ने न्यू एकेडमिक अवार्ड पुरस्कार जीता है, ठीक है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने निम्न में से किसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर शेखर मांडे को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 का U18 हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप जीता है, ठीक है। सुल्तान जौहर कप किस देश ने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है। 2018 का सामाजिक उद्यमिता पुरस्कार, ठीक है, सामाजिक उद्यमिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमा गोपालन को, ठीक है। प्रेमा गोपालन को सामाजिक उद्यमित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2018 का। 15 अक्टूबर को पॉल एलेन का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध कंपनी के सह संस्थापक थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे पॉल एलन, ठीक है, जिसका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15 अक्टूबर को जारी हुई पुस्तक 15 अक्टूबर में पुस्तक जारी हुई थी जिसका नाम था ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। 15 अक्टूबर को जारी की गई थी ये पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, ठीक है। नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट को नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हृदयनाथ पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है, ठीक है। हृदयनाथ पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है इनमें से किसे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद जहीर ख्यामत हाशमी, ठीक है। कौन है? मोहम्मद जहीर ख्यामत हाशमी। निम्नलिखित में से किसने 2018 का मैन बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एना बर्न्स, ठीक है। एना बर्न्स को मैन बुकर पुरस्कार 2018 मिला है, ठीक है। और इसे कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? तो मिल्क मैन के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, ठीक है, FSSAI, ठीक है, खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य भारत यात्रा, ठीक है। किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रियंका कानूनगो, ठीक हो, इसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। अक्टूबर में जारी हुई पुस्तक महाराणा प्रताप, ठीक है, द इनविजिबल वॉरियर्स, ठीक है, के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रीमा हुजा, ठीक है। रीमा हुजा इनके राइटर हैं, इनके लेखक हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप जो पुस्तक अक्टूबर में जारी हुई थी महाराणा प्रताप, उसके राइटर कौन है? रीमा हुजा। 18 अक्टूबर को नारायण दत्त तिवारी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किन दो राज्यों के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों का उन्हें गौरव प्राप्त था, ठीक है, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी का। 17 अक्टूबर को एसो मैच के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है, ठीक है। तो बालकृष्ण गोयनका ने
एसोचेयर के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन जो अरुंधति भट्टाचार्य थी, ठीक है, किस कंपनी का स्वतंत्र अपर निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंस एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है उन्हें, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पूर्व चेयरमैन थी, ठीक है। उसे अभी हाल ही में स्वतंत्र अपर निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, ठीक है। अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुई पुस्तक, ठीक है, इंडिया इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है, कन्वर्सेशन एंड रिफ्लेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयन बाला, ठीक है, विजयन बाला के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। द ब्रेकर्स प्राइज 2019, ठीक है, द ब्रेकर्स प्राइज 2019 के लिए फंडामेंटल फिजिक्स में, ठीक है, विजेता कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स कैन और यूगेन मेले, ठीक है, इन दोनों को फंडामेंटल फिजिक्स में द ब्रेकर प्राइज 2019 बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए और बी दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइफ साइंस में किसे मिला है, ठीक है, सी फ्रैंक बेनेट, ठीक है, जो US से हैं, ठीक है, एडियन आर क्रेनर जो US से हैं इन्हें मिला है, एंजेलिका एमोन, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन है, ठीक है, जाओवी झंगाओ जो चीन अमेरिकन है, ठीक है, झिजियन जेम्स चेक, ठीक है, चीनी अमेरिकन है, जो इन्हें मिला है, इन सबको मिला है साइंस में, ठीक है। और मैथमेटिक्स में किसे मिला है, विलेंस लेफोर्ड जो फ्रांस से हैं, ठीक है। किस भारतीय को 2018 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ठीक है, अर्शदीप सिंह को, ठीक है। अक्टूबर में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में, ठीक है ना। किस केंद्रीय मंत्री को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में क्लेनमैन सेंटर द्वारा, ठीक है, कनाट सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं हमारे अभी, ठीक है। किस भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक को अमेरिका द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिनल पटेल डेविस को, ठीक है, मिनल पटेल डेविस को अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिनल पटेल डेविस को। 2018 का विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई ने, ठीक है। प्रसिद्ध समुद्री जीव विज्ञानी ओसामू सिमोमुरा का निधन हो गया, ठीक है, ओसामू सिमोमुरा का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, जो समुद्र जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा 6 दिवसीय 27वीं संलयन ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधीनगर में, ठीक है, जो कि गुजरात की राजधानी है, ठीक है। 2018 का शांति भट्ट पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, सुजाता गिदला को शक्ति भट्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अक्टूबर में लगातार 7वीं बार कैमरून के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, कैमरून के राष्ट्रपति अक्टूबर में लगातार 7वीं बार कैमरून के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉल विया, ठीक है, पॉल विया को कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे 2018 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फली एस नरीमन को, ठीक है, फली एस नरीमन को लाल बहादुर शास्त्री का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फली एस नरीमन को। किस राज्य की सरकार ने पशु संजीवनी सेवा
योजना शुरू किया है, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने पशु संजीवनी सेवा योजना शुरू किया है, ठीक है। गोविंद माथुर किस उच्च न्यायालय के, ठीक है, किस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं गोविंद माथुर। 24 अक्टूबर से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम नागेश्वर राव को, ठीक है, एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, सीबीआई का। भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा किसे पहला विश्व कृषि पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों से निपटने के और रोकने के लिए केंद्र द्वारा, ठीक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। बेनामी लेन देन के केस को जल्द निपटने और रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपीलीय न्यायालय और निर्णय प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आटा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड एडजुकेट अथॉरिटी, ठीक है, एडजुकेट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से किस श्रेणी के वाहनों की बिक्री एवं पंजीकरण पर प्राधिकरण लगाने की घोषणा की है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा BS4, ठीक है, BS4 की बिक्री और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, 2020 से 1 अप्रैल 2020 में। सौरभ कुमार, ठीक है, किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है, यह है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का नया राजदूत अभी कौन है इंडिया में, इंडिया के, तो सौरभ कुमार, ठीक है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए किस देश ने 300 करोड़ डॉलर की मदद करने की घोषणा की है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब ने। 25 अक्टूबर को आदेल अब्दुल महदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है, आदेल अब्दुल महदी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अभी 25 अक्टूबर को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इराक के, ठीक है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है, आदेल अब्दुल महदी, ठीक है। सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टाइगर पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार सिंह जीत सिंह को, ठीक है ना। बांग्ला सांस्कृतिक संगठन छायानौत को 2015 के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार यानी कि राम वंजी तुषार को 2016 के लिए दिया गया था, ठीक है। बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में पुंजा ठांडा ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य पदक, ठीक है। सेहेल वर्क जेवेड किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, सेहेल वर्क जेवेडे, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इथोपिया की नई महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इथोपिया की सेहेल वर्क जेवेडे, ठीक है ना। 11वां अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। अक्टूबर में महिदा राजपक्षे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, महिंदा राजपक्षे, ठीक है, तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे, ठीक है ना। अक्टूबर में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट ऑप्शन जाएगा सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें सतीश कुमार गुप्ता को। अक्टूबर में 24वीं
दो दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 किस कंपनी ने जीता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। यूके में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। यूके में आयोजित हुआ था विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सौरभ कोठारी, ठीक है, सौरभ कोठारी ने जीता है। म्यांमार में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा क्लारा सोरा, ठीक है, क्लारा सोसा ने जीता है म्यांमार में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 का खिताब। 2018 का संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आसमा जहांगीर, रेबिका ग्यूमी, ठीक है, जोयनिका वापिचाना, ठीक है। यानी कि उपयुक्त में से सभी को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और फ्रंटलाइन डिफेंस कौन थे, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड का मानवाधिकार संगठन, ठीक है। मारुति सुजुकी एरिना चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण धवन, ठीक है, वरुण धवन मारुति सुजुकी एरिना चैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। 27 अक्टूबर को मदन लाल खुराना का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक से, यानी पॉलिटिक्स से इनका संबंध था, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने सर्वानंद प्रेमी द्वारा लिखित श्रीमद्भागवत गीता और कौशुद रामायण का उर्दू संकलन स्कूल कॉलेजों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखने का आदेश दिया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। किस भारतीय वैज्ञानिक को बर्लिन में, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप अवार्ड 2018 से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, तो रूपम शर्मा को पुरस्कृत किया गया है। एशिया पोस्ट तथा फेम इंडिया द्वारा 2018 का सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गौरव गोगोई को दिया गया है एशिया पोस्ट तथा फेम इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, ठीक है।